नूरपुर के छतरौली के सेंट जेवियर कैमिवर स्कूल को जाने वाले रास्ते में झुके हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे का न्योता दे सकते हैं। स्कूल की बसें बच्चों को मेन सड़क पर उतार रही हैं। पेड़ों के कारण बसें स्कूल तक नहीं पहुंच रही हैं। बच्चों के अभिभावक भी चिंता में हैं। अभिभावकों ने प्रशासन व वन विभाग से सवाल किया है कि अगर पेड़ गिरने से कोई हादसा हो तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि प्रशासन व वन विभाग को सूचित किया जा चुका है। नूरपुर के छतरौली से सेंट जेवियर कैम्ब्रिज स्कूल को जाने वाले रास्ते में झुके हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। स्कूल की बसें बच्चों को मेन सड़क पर ही उतार रही हैं। पेड़ों के कारण बसें स्कूल तक नहीं पहुंच रही हैं। बच्चों के अभिभावक चिंता में हैं। अभिभावकों ने प्रशासन व वन विभाग से सवाल किया है कि अगर पेड़ गिरने से कोई हादसा हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरा नाम एकता है और मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पे मुझे हमें स्कूल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस प्रॉब्लम आ रही है रास्ते को लेके। रास्ता छोटा है, गाड़ियाँ मतलब कि वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो जो कि बसेस के साथ लगते हैं। अगर इन दौरान अगर कोई भी पेड़ पौधा बस के ऊपर गिर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर बच्चे के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो कौन इसका जिम्मेवार लेगा, वन विभाग लेगा या फिर ये प्रशासन लेगा। मुझे इसका उत्तर चाहिए। मेरा नाम अमिता है और मेरा बच्चा यहाँ सेंट जेवियर कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है। पठानकोट से डेली आ रहा है और यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि रास्ता जो है वो पेड़ों से भरा हुआ है और पेड़ बिल्कुल झुके हुए हैं सड़क की तरफ, तो किसी भी टाइम कोई भी हादसा होने का कारण बन सकते हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि रास्ता जो है उसकी वन विभाग को ये हमें रिक्वेस्ट है कि जहाँ तो रास्ता क्लियर किया जाए, पेड़ों को कटवाया जाए ताकि रास्ता जो साफ हो सके और गाड़ियां सुरक्षित आ सके, ताकि कोई भी हादसा होने का कारण न बने और बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच सके। स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि प्रशासन व वन विभाग को सूचित किया जा चुका है। एसडीएम नूरपुर द्वारा वन विभाग को पेड़ काटने के आदेश दिए जा चुके हैं। 5 महीने बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएफओ बासु कौशल ने उस रास्ते की डेमोक्रेशन का हवाला भी दिया है। जी, इस ये जो हमारे पर एक परेशानी है, इस के बारे में हम ऑलरेडी ये सेशन बैठने से पहले हमने एप्लीकेशन एसडीएम साहब नूरपुर को दी थी, जिसका उन्होंने 25/3/2019 को ये ऑर्डर पास किया है। डीएफओ मैम जो हमारी हैं बासु कौशिक नूरपुर के, उनको ये ऑर्डर दिया था कि जो भी पेड़ हैं जो इस रास्ते में आ रहे हैं जो दुर्घटना कर सकते हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे कि ये जो मुसीबत है ये ना हो। लेकिन पिछले 8 महीने से हम रेगुलर मैम के पास ऑफिस में जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक बार एसडीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया, फिर अब तक प्रशासन विभाग वन विभाग चुपचाप शांत क्यों बैठा है? क्या वो इंतज़ार कर रहा है कि फिर से मनकवाल की तरह एक नया हादसा हो और फिर से बच्चों को क्षति पहुँचे? तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, प्रशासन या वन विभाग? क्योंकि स्कूल ने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कल को जो भी एक्टिव हो जाएगा उस हादसे के बाद, वो तो ठीक है, उसके बाद तो सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमें क्षति होगी बच्चों के तौर पर, क्या उसको उसका कोई भरपाई कर पाएगा?